और ये जो अबू आजमी है ये इतना बड़ा बोल बोल चुके, अखिलेश यादव चुप है, जयंत चौधरी चुप है, कम से कम एक ट्वीट तो करे बंदा, एक ट्वीट करके कम से कम उसे डांटे धमकाए तो सही। अब तुम यहाँ पे आ रहे, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में तुम एक बिरादरी को टारगेट कर रहे हो। अखिलेश यादव के संज्ञान में बात होगी तो क्या पता वे इस पर कोई रिएक्शन ले, तो उसमें जो अखिलेश यादव इस पर कोई वो नहीं करते तो ये बहुत गलत बात है अखिलेश यादव की। अच्छा, आपको नहीं लगता इतना मामला हाईलाइट होगा और अखिलेश यादव के संज्ञान में बात नहीं आई? नहीं, देखी जाएगी, वो तो संज्ञान में तो आई नहीं हो, अगर आई भी तो बहुत गलत बात है। अखिलेश यादव को इससे तुरंत पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, जयंत चौधरी को बोलना चाहिए, क्योंकि उनके भी समाज का मामला है और उन्हीं की देन के ऊपर ये बयान अबू आजमी ने दिया है। अगर वो मुजफ्फरनगर में आने के बाद ये गलती ना करते तो आज जो है अबू आजमी बोलने की औकात नहीं थी उसकी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदेश करेगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। इसमें अखिलेश यादव वो कोई भी अगर जैसे हमारी पार्टी जिसके साथ में गठबंधन करेगी तो हम जयंत चौधरी को फोकस करेंगे। दोस्तों, इस वक्त बुढ़ाने में हम मौजूद हैं। जो अबू आजमी का बयान आया है, कहीं ना कहीं जाट समाज की भावनाएं काफ़ी आहत हुई है, लोगों में गुस्सा है, जाट समाज के युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके का बयान आया उसके बावजूद अबू आजमी ने अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, जिस तरीके से अबू आजमी ने इतना शर्मनाक बयान दिया है कि 2013 में दंगा हुआ था, सारा का सारा जिम्मेदारी जाटों को दे दी, किस जाटों ने वो दंगा कराया था, और जाट समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, ये बहुत ही गंदी मानसिकता है। सबसे पहले तो बात, 2013 में कोई भी दंगा जाट समुदाय की तरफ से नहीं हुआ था। दंगा जो है असामाजिक तत्वों की वजह से हुआ था और वो बीच में भड़काया था अखिलेश यादव ने। जाट ने तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसका जवाब का परिणाम निकला था कि गांव के गांव खाली होते चले गए थे, गांव में से निकला शरणार्थी बन के लोग रहने लगे थे, शरणार्थी बने। उसके बाद सरकार ने इन्हें इतना बढ़ावा दिया, इतना माल दिया, ये अपने घर जाने में इच्छुक नहीं हुए, वहीं रहकर अपना सही सरकार का खूब फायदा उठाया। और जट्टों के पीछे सरकार ऐसी लगी, समाजवादी सरकार, कि जट्टों के नाश के पीछे लग गई। इस तरीके से बयान आया है कि जाट समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है 2022 चुनाव में, क्या जाट समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहेगा? मैं जाट हूँ, मैं तो नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। यह बहुत ही गलत फहमी फैलाई जा रही, जिसकी वजह से जाट मेरे हों जेल में गए हो, जाट उसके साथ कैसे चले जाएगा? नहीं जाने का, बिल्कुल नहीं जाने का। चुनाव आने दो, कोई जाट समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने का। अच्छा, पूरे के पूरे जाट समाज को टारगेट क्यों किया गया? गलती तो एक आदमी की थी, चलो कुछ लोग कह रहे पैर भी नहीं पकड़े, लेकिन गलती तो एक आदमी ने की थी, फिर पूरे जाट समाज को टारगेट क्यों किया गया? वही चुनाव आ रहे ना, सारा सारा जाटों को घेरने वाली बात चल रही कि जाटों को घेर लो, जाट नहीं घेरने के, ये सिर्फ चुनाव मुद्दा है, उससे अलग कुछ नहीं है। ये गंदी मानसिकता है, अब वो आदमी की बहुत ही बहुत गलत सोच है जो पूरे समाज के लिए है, और बहुत ही इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से शर्मनाक बयान आया कि जाट समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, क्या 2013 का सारा दंगा केवल जाटों ने कराया था? 2013 का दंगा अखिलेश यादव की देन है, किसी जाट समाज की देन नहीं है। अगर अखिलेश यादव सही निर्णय उस समय लेता तो आज जो है जाट समाज इतना पीड़ित नहीं होता, इतने नौजवान जो है जेल में डाल दिया अखिलेश यादव ने, नौकरी भी नहीं लग पाई उनकी। क्या लग रहा है इस बार जाट समाज अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, अखिलेश यादव खूनी है, अखिलेश यादव के साथ कैसे खड़े हो जाएंगे हम? बिल्कुल भी नहीं हो गए, जाट समाज कोई भी अखिलेश यादव के साथ नहीं खड़ा होगा। तो जयंत चौधरी आकर इस पर अबू आजमी को क्यों नहीं बोल रहे कि पूरे जाट समाज को टारगेट क्यों किया है? नहीं, जयंत चौधरी को बोलना चाहिए, क्योंकि उनके भी समाज का मामला है और उन्हीं की देन के ऊपर ये बयान अबू आजमी ने दिया है। अगर वो मुजफ्फरनगर में आने के बाद ये गलती ना करते तो आज जो है अबू आजमी बोलने की औकात नहीं थी उसकी। अच्छा, 2022 का चुनाव भी आ रहा है, क्या सारी की सारी राजनीति इसीलिए हो रही है? हाँ, 2022 के चुनाव में जाटों को घेरने के लिए समाजवादी ने राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ जाटों को घेरने का काम किया है और उसके बहाने से जाटों को अपने साथ लेना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आता है, लेकिन अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साधे हुए नहीं कहते कि माफ़ी मांगनी चाहिए जाट समाज से, ये बहुत बड़ी गलती है अखिलेश यादव की। एक हमने पिछली बार उन्हें मुख्यमंत्री चुना था, सभी युवा उनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उनके खिलाफ बोलना चाहिए कि भाई भले ही उनकी पार्टी का आदमी हो, लेकिन उन्हें बोलना चाहिए कि भाई किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। और ये जो अबू आजमी है ये इतना बड़ा बोल बोल चुके, अखिलेश यादव चुप है, जयंत चौधरी चुप है, कम से कम एक ट्वीट तो करे बंदा, एक ट्वीट करके कम से कम उसे डांटे धमकाए तो सही। अब तुम यहाँ पे आ रहे, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में तुम एक बिरादरी को टारगेट कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम का दंगा था, उसे जाट का नाम दिया गया क्योंकि जाट बेल्ट है, लेकिन जाट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो अपना हानि अपना फायदा ना देख सके। उसने हमारे युवाओं को बहुत ही, आज भी बहुत से युवा इस चीज़ से पीड़ित हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। बहुत से लड़के ऐसे हैं हमारे खुद के जानने वाले जिनके विचारों के आर्मी में नंबर आ रहा, पुलिस में नंबर आ रहा, बेचारा आज भी अंदर है, लुकते फिर रहे। लेकिन सारी जिम्मेदारी तो जाट को दे दी गई ना, जो दंगा हुआ था वो उन्हीं की देन है। देखो, जाट समझदार है, पढ़ा लिखा है, अब वो बात नहीं रही कि जाट अनपढ़ है। जाट अपना भला अपना सब कुछ जानता है, अपने समाज के लिए, अगर हमें जहाँ दिखेगा हमारे समाज के भले में जो भी है, बीजेपी हो, रालो, धो, जो भी हो, लेकिन सपा में कभी नहीं।
क्या लगता है भाई साहब, जो बयान आया है इस तरीके से पूरी की पूरी जाट समाज को टारगेट किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि जाट समाज से माफी मांगे। अखिलेश यादव के संज्ञान बात होगी तो क्या पता उस पर कोई रिएक्शन ले, तो उसमें जो अखिलेश यादव इस पर कोई वो नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है अखिलेश यादव की। अच्छा, आपको नहीं लगता इतना मामला हाईलाइट होगा और अखिलेश यादव के संज्ञान में बात नहीं आई? नहीं, देखी जाएगी, वो तो संज्ञान में तो आई नहीं हो, अगर आई भी तो बहुत गलत बात है। अखिलेश यादव को इससे तुरंत पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या लगता है 2013 के दंगे के बाद जिस तरीके से कहा गया कि जो दंगा हुआ था वो जाटों की देन था, मुस्लिमों को उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, 2013 का दंगा जाटों की देन तो थी नहीं, ये तो पता नहीं षड्यंत्र रचा गया था। 2013 में दंगा जो हुआ था उस सरकार को पता लगा कि दंगा हुआ था, किसने कराया था, उस सरकार को भी पता है आज वो सरकार है कहाँ पे, और जिसने दंगा कराया था उसको पता हो कहाँ पे, आज जेल में सड़ रहा हूँ जिसने दंगा कराया था। तो क्या लगता है इस बार 2022 के चुनाव में जाट समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? वो हाईकमान पार्टी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदेश करेगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। इसमें अखिलेश यादव वो कोई भी अगर जैसे हमारी पार्टी जिसके साथ में गठबंधन करेगी तो हम जयंत चौधरी को फोकस करेंगे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को भी आकर बयान देना चाहिए था इस बारे में कि मैंने गलती की थी, जो भी की थी, लेकिन आप पूरे समाज को टारगेट मत कीजिए? नहीं, जयंत चौधरी ने गलती कौन सी की, इस चीज़ का जवाब दो कि जयंत चौधरी ने वो गलती की, उस चीज़ का हम जवाब देंगे। आप बताओ कि जयंत चौधरी ने गलती किया, बताओ कौन सी गलती की है जयंत चौधरी ने? मंच पे कहा कि 2013 का दंगा हुआ था, हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। माफी तो केवल जयंत चौधरी ने मांगी थी, पूरे जाट समाज ने थोड़ा मांगी थी? नहीं, पूरे जाट समाज ने माफी नहीं मांगी, पर जो उस पर वो मौलाना नहीं था जो उनसे, जयंत चौधरी हमारी बिरादरी में सम्मान के लिए हमें सिखाया जाता है कि हर आदमी का सम्मान करना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सबका सम्मान करना चाहिए। और वो पैर नहीं छुए जा रही है, वो तो नीचे को झुककर थोड़ा सा हो रहा है, अगर पैर भी छू लिए तो इसमें कोई बड़ा जुल्म नहीं कर दिया कि पैर छू लिए फांसी चढ़ेगी, और ना ही वो मौलाना है, इसे तो बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसे मौलाना बना दो, ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो मौलाना है। कौन बढ़ा रहा है मुद्दे को? मुद्दा बढ़ा रही पार्टी बढ़ा रही है, वो तो सबको पता है कौन मुद्दा बढ़ा रहा है। राजनीतिक पार्टी से 2013 बनाने सोचती है, पर अब की बार 2022 में 2013 नहीं बनेगा। क्या लगता है इनका तो कहना है पार्टी मुद्दा बढ़ा रही है? नहीं, पार्टी कौन पार्टी मुद्दा बना रही है, समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है और दोहराना चाहते हैं 2013 को वो हमारे मुजफ्फरनगर के लिए। समाजवादी पहले भी षड्यंत्र कर चुके हैं और अब भी षड्यंत्र करने की तैयारी में है। क्या लगता है 2013 का दंगा, जैसे चुनाव आता है, जब भी कोई चुनाव आता है 2013 के दंगे का जिक्र आता है, क्या लगता है इस बार भी ये मुद्दा रहने वाला चुनाव में? नहीं, मुद्दा अगर समाजवादी वाले बनाना चाहते हैं तो एक बार और बना के देख ले, रिजल्ट सामने आ जाएगा। हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट इतना कमजोर नहीं है कि अब्बू आजमी जैसे एक छुटभैया नेता की ऐसी ऐसी बातों को हम सहन करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, मुद्दा रहेगा 2013 का दंगा चुनाव में? माहौल तो ऐसे लग रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माहौल खड़ा करना सोच रही, अब्बू आजमी के बयान हमें तो लग रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बनाना सोच रही। अगर राजनीतिक मुद्दा बनाना सोचेंगे, सोच तो रहे अपने भले के लिए, लेकिन नुकसान उठावेंगे। पिछली बार नुकसान हुआ था, दंगा हुआ, सीधे सीधे पता लग गया था पूरे हिंदुओं को कि कहाँ है क्या है, सब षड्यंत्र समाजवादी पार्टी का था। अब फिर जो बयान आया है समाजवादी का नेता है, अब टोटल जो है समाजवादी के सिद्ध आरोप है, समाजवादी ऐसा माहौल खड़ा करना चल रही, लेकिन इसका नुकसान होगा कहीं ना कहीं, इसका 100% नुकसान होगा, जाट वोट टोटल के टोटल खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा तो इसलिए बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है उन हाथ से छिटके, मुस्लिम तो उनके हो तो रहो, मुस्लिम में तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो अपने हिंदू देखने और जाट देखने अपने, और जाट इस बयान तक बिल्कुल मैं तो मानते नहीं कि जी, अगर कोई सही हिसाब से देखा हो तो बिल्कुल गलत है, जाट अपना 2013 वाला रुख करेगा टोटल सपा के बहुत जल्दी चुनाव आ रहे इसमें देगा। अच्छा, सपा का गठबंधन भी है रालोद से, आपको नहीं लगता जाट उधर जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ? ऐसे बयानों से तो नहीं जानेगा, जब ऐसे ऐसे ये माहौल ख़राब करने वाले लोग इस पार्टी में रहेंगे तो कैसे चले जाएंगे? हम तो सीधी सीधी बात कहें, जो भी हमारी हमारे ऊपर ऐसी टिप्पणी करेगा वो साला हमें नहीं पता कौन सी पार्टी का, वो हमारा साला कुछ नहीं लगता, और जहाँ मिल जाएगा साले को वहीं इलाज करेंगे। अच्छा, मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में 2022 के चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के? मुद्दे विकास के रहेंगे, किधर को चले जाओ, किसान दिन में अब रात को जो है खेत में जाने की जरूरत नहीं है, दिन में बराबर बिजली आ रही, दिन में अपना पानी चलाया हुआ, रात को अपना आराम से चादर तान का घर सोवे अपना, रात की टेंशन नहीं, किसान खुशहाल है, किसान 8 महीने से बॉर्डर पे बैठा है, आप कह रहे खुशहाल है, ये अलग अलग है ना, सबकी मानसिकता एक नहीं हो सकती, किसी का विचार कुछ है, किसी का कुछ है। जो MSP का है मामला, MSP का मामला हमारे यहाँ के किसानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा हमारे यहाँ पेमेंट का हिसाब है, इनमें भी थोड़ी सी हालांकि कमियाँ हैं, हम भी चाहें पार्टी में थोड़ा सा सुधार करें, लेकिन MSP तो हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राजनीति तो पंजाब वाले पड़े, थोड़ा सा हमारे इधर के जिसके विचार नहीं मिलते, जो जिनकी मानसिकता हमारे से कुछ अलग है, वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं पंजाब वाले हैं, राकेश टिकेत आपके जिले के, 8 महीने से
वो बता रहा मैं, जो हमारे इधर के हैं जो पार्टी विरोधी मान लो या जैसे भी है, या फिर ये मान लो कि उनकी मानसिकता हमारे से कुछ अलग है, विचार कुछ अलग है, हमारे विचार उनके विचार अलग है, इस वजह से वहाँ है लोग किसान तो 90% किसान अपने घरों में यहाँ पे खेती कर रहा है आराम से। किसान आंदोलन का कितना असर रहेगा चुनाव में? किसान आंदोलन का ज्यादा असर नहीं रहने का, कुछ क्या लगता है किसान आंदोलन का असर रहेगा चुनाव? नहीं कुछ नहीं रहेगा, वो तो चकचुंदर गले में फंस रही है। अगर उठका वगैरह आगे टिकैत जी जिब भी नुकसान है, और वहाँ बैठे रहे तो जिब भी नुकसान है। वे सरदारू के चक्कर में वहाँ बैठे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता चल गया, मुझे अपना अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उन्होंने सीधा सीधा अपना कैंडिडेट उतारा। जब भी किसान यूनियन ने डायरेक्ट चुनाव लड़ाया, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला है। किसान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का सपना था, ये कानून लागू हुआ और उनके सपने के ऊपर लागू हुआ। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने इसको जो है समर्थन किया था, आज ये वहाँ बॉर्डर पर बैठ के जाकर, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।